एकनाथ खड़से ने बीजेपी से इस्तीफा देकर महाराष्ट्र की मुख्य विपक्ष पार्टी को बड़ा झटका दिया। खड़से पार्टी में ओबीसी का बड़ा चेहरा माने जाते थे। गोपीनाथ मुंडे के निधन और विनोद तावड़े के हाशिए पर जाने और अब खड़से इस्तीफा देने के बाद बीजेपी की मुश्किल बढ़ गई है। महाराष्ट्र में बीजेपी के कद्दावर नेता एकनाथ खड़से ने बुधवार को पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। काफी दिनों से खड़से बीजेपी छोड़ने की अटकलें थी। कहा जा रहा है कि 22 अक्टूबर को खड़से एनसीपी में शामिल होंगे। खड़से की ओर से एनसीपी में शामिल होने को लेकर इशारे मिलने लगे हैं। चर्चा है कि जल्द ही पार्टी में शामिल होने के बाद उद्धव सरकार में मंत्री पद से उन्हें नवाजा जाएगा। प्रदेश में सत्ता से बाहर बैठी बीजेपी के लिए खड़से का पार्टी छोड़ना एक बड़ा झटका है। महाराष्ट्र बीजेपी में खड़से ओबीसी समुदाय का बड़ा चेहरा माने जाते थे। ऐसे में खड़से के पार्टी छोड़ने के बाद तकरीबन 40% ओबीसी वोटरों को लुभाने के लिए फिलहाल बीजेपी के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं। ऐसा माना जाता है कि प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व करने के लिए बीजेपी के पास 3 बड़े चेहरे थे। इनमें गोपीनाथ मुंडे, विनोद तावड़े और एकनाथ खड़से प्रमुख थे। मुंडे की कार दुर्घटना में मौत हो गई, जिसके बाद उनकी बेटी पंकजा मुंडे प्रदेश की राजनीति में काफी सक्रिय दिखी। हालांकि वह भी काफी समय से पार्टी में हाशिए पर है। एकनाथ खड़से पार्टी के पुराने कार्यकर्ता रहे। वह 6 बार पार्टी के टिकट से विधायक बने हैं। इसके अलावा वह साल 1995 में शिवसेना बीजेपी सरकार में जल मंत्री रह चुके हैं। साल 2009 से 14 के बीच उन्होंने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी भी निभाई। साल 2014 में बीजेपी को सरकार बनाने का मौका मिलते ही उन्हें कई अहम मंत्रालय की जिम्मेदारी भी दी गई थी। उनके पास दर्जन भर विभागों का कार्यभार था। इनबीसी न्यूज के लिए अभिषेक पांसे की रिपोर्ट।